नारायण सिंह है और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं बिहार के दो हृदय रोग विशेषज्ञों से जो युवा हैं और बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाए हैं। हमारे दाहिने तरफ हैं डॉक्टर अभिषेक जी जो बिहार के जाने माने चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर नीतीश कुमार रंजन है जो एक युवा हृदय रोग विशेषज्ञ है और चर्चा में है। डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर नीतीश कुमार रंजन जी से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि हृदय रोग में क्या क्या समस्याएं आती हैं और बिहार जैसे गरीब प्रांत में अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो फिर उसका इलाज कैसे होगा। हम हैं पटना के डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में जो इसके पास बिहार का सबसे जबरदस्त सबसे हाईटेक जो लैब है जो व्यवस्था है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अभिषेक से। सर पिछले इंटरव्यू में भी हमने आपसे बड़ी लंबी बात की थी, कई सारे बड़े रिजल्ट्स भी आपने दिए हैं। सीधे आते हैं मूल मुद्दे पे कि हृदय रोग से ग्रसित मरीजों को क्या सजेशन है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीतीश कुमार रंजन का स्वागत करना चाहूंगा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। ये मतलब जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे उसमें डेफिनेटली सर का भी योगदान बहुत बड़ा है और अभी हम लोग साथ मिलकर बहुत बहुत सारे केसेस को हमने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को करा है और आगे भी प्रयास है कि अच्छे से और ईमानदारी से बिहार के लोगों की सेवा करें। तो जैसा आपका सवाल है कि बिहार के लोगों में किस तरह से हम हृदय रोग की बीमारियों के बारे में सेवा दे सकते हैं या अगर उनको कोई दिक्कत होती है हृदय रोग संबंधी तो किस तरह का इलाज किया जाए, तो जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया है कि सबसे मुख्यतः जो और सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है वो हृदयघात या हार्ट अटैक की बीमारी होती है। उसके इशारे कितनी बार होते हैं, जब हम चलते हैं तो सीने में दर्द होना, सांस फूलना, भारीपन होना, जिस तरह के सिम्टम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जो भी नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे मिलके समय रहते सलाह लेनी चाहिए। दूसरा है कि अचानक से किसी को तेज सीने में दर्द हो जाए या सांस फूलने लगे, तो पहले भी मैंने ये बताया है कि ऐसा दर्द या ऐसा सिम्टम सांस फूलने के फॉर्म में भी हो सकता है जो आपने कभी पहले महसूस नहीं किया हो और नाभि से लेकर जबड़े तक वो फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी है, जरूरी नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट हो, कोई भी फिजिशियन हो जहाँ पे ईसीजी की सुविधा हो जरूर मिले। और ईसीजी में अगर डॉक्टर बताते हैं कि आपको हृदय संबंधी कोई भी परेशानी है तो अपने पास के भी जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं या हृदय रोग संबंधित जहाँ पे इलाज होता है उस अस्पताल में संपर्क करें। चलिए डॉक्टर अभिषेक ने बता दिया कि क्या करें जब आपको हार्ट अटैक आ जाए। अब डॉक्टर नीतीश रंजन से जानते हैं कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया उस समय लोगों को काफी हड़बड़ाहट होती है और लोग जो स्थानीय इलाज है वो शुरू कर देते हैं, चिकित्सक होने के नाते आप लोगों को क्या सुझाव है? तब सही बात है, जैसे ही हृदयघात या हार्ट अटैक होता है तो तुरंत ईसीजी करा ले नियरेस्ट फैसिलिटी पे, अगर नहीं भी है तो कुछ ब्लड थिनर्स जो हमारे सब दुकानों में उपलब्ध है, कम से कम इको स्प्रीन की गोली जो है 75 mg की गोली, अगर 4 गोली आप खा लेते हैं तो कम से कम कुछ आपको वहाँ सहूलियत मिल जाती है और बिना समय गंवाएं, क्योंकि हर मिनट का इसमें महत्व है, जितना मिनट बचेगा उतना हार्ट बचेगा, बिना समय गंवाएं नियरेस्ट फैसिलिटी पे जहाँ पे हार्ट संबंधित बाकी दवाइयाँ चल पाएंगी, ब्लड को थक्का को गलाने वाला दवाई कम से कम अगर रिमोट एरिया में है तो तुरंत वहाँ चल पाएगा, जिससे हम लोग हार्ट के मसल को प्रिजर्व कर पाएंगे और जो कॉम्प्लिकेशन होना है, जो तकलीफ आगे बढ़ना है, उसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आपको समय में कोई भी कार्डियक सेंटर में जाके अब अपना जांच करवाएं, स्टेंट लगवाएं, जो भी उस संबंधित जो निकलता है उसका आगे का उपचार करें। डॉक्टर अभिषेक जी, बचने की संभावना कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पास ऐसे कई जटिल केस आते होंगे जिसमें विलंब हो जाता है और काफी लोगों को जानकारी के अभाव में लोग जो स्थानीय स्तर पर इलाज शुरू करवा देते हैं, तो उनको क्या सुझाव देंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के जवाब में बताया कि अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम लगता है जो आपको लगता है कि पहले कभी आपने फील नहीं किया और वो हृदयघात से संबंधित हो सकता है तो नजदीकी अस्पताल में जाए, अपना इलाज ना करें, पास के किसी भी डॉक्टर जो ईसीजी की फैसिलिटी रखते हो या हॉस्पिटल छोटा भी हॉस्पिटल हो जहाँ ईसीजी की फैसिलिटी हो वहाँ जाएं, वो ईसीजी निकलवाएं। और जैसा सर ने बताया कि इकोस्प्रीन की 4 गोली 75 mg की, टोटल डोज 300 mg लगभग, और साथ में एक और दवाई आती है अगर फिजिशियन सलाह देते हैं या खुद से लेना चाहें तो 300 mg क्लोपिडोग्रेल की एक गोली आती है और एक कोलेस्ट्रॉल की गोली एट्रोवास्टेटिन की आती है वो 80 mg। 3 दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो बहुत मामलों में आपको समय मिल पाता है कि आप नज़दीकी अस्पताल, नज़दीकी कार्डिक सेंटर में पहुंच पाएं। और जैसा आपने बताया कि मृत्यु दर क्या होती है हृदयघात के केसेस में, तो पहले घंटे में लगभग 15-20% केसेस में
सडन कार्डियक डेथ की संभावना रहती है। तो ये गोल्डन आवर भी हमारा है कि जितनी जल्दी संभव हो, हम एक डिफिनेशन भी देते हैं डोर टू बेलूम टैग, जैसे हमारे अस्पताल के अंदर कोई मरीज आता है और हमने जब उसकी आर्टरी को, बंद आर्टरी को खोला, उस ड्यूरेशन को मैक्सिमम 90 मिनट्स के अंदर हम लोग को करना होता है, वो आइडियल टाइम है। बहुत सारे उसके मतलब लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट ये आइडियल टाइम में हमें 90 मिनट के अंदर उसकी आर्टरी को खोलना होता है। तो ये एक घंटे का जो गोल्डन आवर है उसको हमें बिल्कुल उस समय सारी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, सब कुछ अच्छे तरीके से करवाना। डॉक्टर नीतीश रंजन जी, आजकल देखा गया है हाल के वर्षों में कई बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, जिन पर पूरी दुनिया को नाज होता है, कितने फिट नजर आते हैं, उनको हृदयघात होता है, कई सारे बड़े सेलिब्रिटियों की मौत हो गई है, क्यों होती है? डेफिनेटली कुछ सिम्टम तो जरूर मिला होता है जिसको आदमी इग्नोर कर देता है, कभी पसीना आ जाना, थकान होना, भारीपन होना, ऐसे में नियमित अंतराल पे अपना एक कार्डियक चेकअप कम से कम साल में एक बार जरूर से कराएं। ECG को ट्रेडमिल अगर कर पाते हैं तो, नहीं तो उससे संबंधित और भी जाते हैं। रूटीन ब्लड टेस्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना है, बाकी आपको बाकी जो ईटिंग हैबिट्स है, हैबिट डिजॉर्डर को भी ठीक करना है, वेट कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग को ना करें, एल्कोहल को बहुत लिमिट करें या ना करें, और अगर आपको डायबिटीज है तो अच्छे से कंट्रोल करें, तो हैवी वर्क एग्जर्शन को अवॉइड करिए, लगातार जिम वर्किंग को भी अवॉइड करिए, एक मॉडरेटेड वे में ही आप जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, ओवर एग्जर्शन को अवॉइड करिए, ये हार्ट के लिए फायदेमंद है। चलिए, आपको हमने दोनों चिकित्सकों से बात का ही बताया क्यों हार्ट अटैक होता है, बचने के क्या तरीके हैं। अब डॉक्टर अभिषेक से जान लेते हैं कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल, यहाँ ये प्रमुख हैं, जहाँ पर कई सारे सफल ऑपरेशन भी ECG को ट्रेडमिल अगर कर पाते हैं तो, नहीं तो उससे संबंधित और भी जाते हैं। रूटीन ब्लड टेस्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना है, बाकी आपको बाकी जो ईटिंग हैबिट्स है, हैबिट डिजॉर्डर को भी ठीक करना है, वेट कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग को ना करें, एल्कोहल को बहुत लिमिट करें या ना करें, और अगर आपको डायबिटीज है तो अच्छे से कंट्रोल करें, तो हैवी वर्क एग्जर्शन को अवॉइड करिए, लगातार जिम वर्किंग को भी अवॉइड करिए, एक मॉडरेटेड वे में ही आप जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, ओवर एग्जर्शन को अवॉइड करिए, ये हार्ट के लिए फायदेमंद है। चलिए, आपको हमने दोनों चिकित्सकों से बात का ही बताया क्यों हार्ट अटैक होता है, बचने के क्या तरीके हैं। अब डॉक्टर अभिषेक से जान लेते हैं कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल, यहाँ ये प्रमुख हैं, जहाँ पर कई सारे सफल ऑपरेशन भी इन्होंने किया है, साथ में डॉक्टर नीतीश रंजन जैसे एक चर्चित चिकित्सक का साथ है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ पे कार्डिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और राउंड द क्लॉक हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर्स होते हैं जो पटना, इनफैक्ट बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक इमरजेंसी डॉक्टर की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, वो यहीं पे है। जो चार स्पेशलिस्ट इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो मैंने पहले बताया कि सबसे ज़रूरी होता है एक घंटे में, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके आगे का जो भी ट्रीटमेंट होता है, एंजियोग्राफी के फॉर्म में हो, स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में हो, या कोई कोई केसेस में बाईपास की नौबत आती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। पेसमेकर, धड़कन की कम होना, या और भी जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं कार्डिक से रिलेटेड, वो सारे केसेस, सारी सुविधाएं हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। चलिए डॉक्टर नीतीश, आखिरी सवाल बिहार के युवाओं को, खास करते कि युवा पीढ़ी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कोविड के बाद जिस तरह से हृदयघात युवाओं में होने लगा, एक बड़ी सोचने वाली बात थी कि जो पूरा फिजिकली फिट है। तो चलते चलते आखिरी सवाल कि खासकर युवा, जिस पर पूरे समाज का, परिवार का, देश का पूरा दमदार है, उनको क्या जीवन शैली होनी चाहिए? डेफिनेटली आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है, तो मैं यही सलाह देता हूँ कि अपना वजन कंट्रोल में रखिए, खान पान में रेड मीट को अवॉइड करिए, वेट कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, स्मोकिंग और बाकी जो स्नैक और तरह तरह के पदार्थ हमारे युवा वर्ग ले रहे हैं सबको बंद करना होगा, तंबाकू का सेवन बंद करना होगा, इन्हीं सब कारणों से हमारे यंग एज में और काफ़ी हार्ट अटैक देखने को मिलता है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी आपाधापी में बढ़ गया, स्ट्रेस लेवल को भी मिनिमाइज करिए ताकि एक गंदी हालत के लिए हम लोग संकल्पित रहें और हार्ट को बचा सकें, यंग लाइफ को बचा सकें। हमने बातचीत किया बिहार के दो चर्चित चिकित्सकों से जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आपके भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगले इंटरव्यू में हम ये भी जानेंगे इन चिकित्सकों से आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और क्या ऐसे सवाल हैं जो और इनसे पूछा जा सकता है। अगले इंटरव्यू में आपकी तरफ से ये सवाल हम डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर नीतीश रंजन से जरूर पूछेंगे।